तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट ऑलरेडी डन द पार्ट ऑफ बी डूइंग द पार्ट ऑफ पोएट्री एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्टोरीज जिसमें हमारी पांच स्टोरीज हैं दैट इज इन योर कोर्स सबसे पहले है फ्रिट्स क्वालिटी स्टोरी ऑफ एन आवर सिंगिंग लेसन एंड देन बी वर्ड वर्थ तो वी विल स्टार्ट विद फ्रिट्स किसी बच्चे ने ये भी कॉमेंट किया था कि मैम हिंदी थोड़ी ज्यादा यूज किया करिए तो आई ट्राई

ठीक है तो प्रोटैगनिस्ट या कह सकते हो कि आ, उसके और फ्रिट्स के इर्द-गिर्द ही जो स्टोरी है वो मूव करती है बट कहीं-कहीं पर आप ये भी देखोगे कि शंकर को भी प्रोटैगनिस्ट कंसीडर किया गया इवन दो ही इज अ नरेटर हेयर ओके तो स्टोरी जो शुरू होती है जहां पर आ, शंकर जो है अपने फ्रेंड से जयंतू से पूछता है कि आर यू वेल क्या तुम ठीक हो या फिर क्या तुम ठीक नहीं हो ठीक है दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड तो उनका इवेंचुअली Uh, ये जो कॉन्ट्रेरी no, एक जहा पर द पर्सन आस्क दैट नो ऑन द कॉन्ट्रेरी आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर दिस प्लेस इज ट्रूली वंडरफुल तो यहाँ पर जस्ट बिकॉज की देवर एट सम प्लेस जहां पर वो उससे पूछता है कि

ठीक है तो ये सारी जितनी भी चीजें ये उसके वही पुराना जहां पर दे देवर प्लानिंग टू गो दैट इज अ प्लेस इन बूंदी ठीक है तो ये जो पूरी स्टोरी है दिस इज अबाउट द मेमोरीज जो किसके पास होती हैं जयंतो के पास होती हैं है, इसकी जो थीम भी है वो भी इट इज रिलेटेड टू मेमोरीज द मेमोरीज एंड अनफोगाजिया ही हैड कि मुझे वहीं पर ही रहना है जहां पर जो उसका जहां पर उसका बचपन बीता था जहां पर ही वॉज होम कि हम बार बार उस चीजों को याद करते हैं एंड वी लव टू गो वी वॉन्ट टू गो दी आर लॉन्गिंग टू गो द तो वैसे ही ये लोग एक जगह पर बैठे होते दैट इज बूंदी और उसी का ही ये वाला जो है ये स्टार्टिंग लाइन वही की दी हुई है कि जहां पर थर्टी वन ईयर्स अगो जहां पर उस समय पर जयंतो 6 साल का था तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है फिर उसके बाद यहाँ पर जयंतो और इसका जो भी फ्रेंड था आ, आ, शंकर ठीक है देवर ओल्ड फ्रेंड्स और उसके बाद अभी एट नाउ एट प्रेजेंट

मतलब घूमने के लिए जाएंगे तो कई सारे लोग जो होते हैं देखो इसने एग्जाम्पल दिया है कि जयपुर उदयपुर या चित्तौड़ जाते हैं बट जयंतो क्योंकि उसको बूंदी जाना था उसको वहां पर घूमना था तो इसीलिए वो वहां पर गया आई हैड नो ऑब्जेक्शन फॉर हैविंग रेड टैगोर्स पोएम द फोर्ट ऑफ बूंदी आई वॉज सर्टेनली फेमिलियर विद द नेम ऑफ द प्लेस और मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट थी जाने की वो यहाँ पर ये सारी चीजें बोलता है उसके बाद ये सारी चीजें मतलब बूंदी वॉज जस्ट बिकॉज प्लेस तो इसीलिए हमको वहां पर जाना था शंकर को भी जाना था जयंतो तो इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वहां लिव्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उसको वो बचपन की मेमोरीज है वहां पर ओके फिर पूछा गया है जयंतोज इंसिस्टेंस ऑन बूंदी उसको कभी कभी मतलब डराता भी था उसको कंफ्यूज कर देता था और इसीलिए आई लर्न द रीजन ऑन द ट्रेन जब हम लोग आते जयंतो के जो फादर थे अनिमेश दास गुप्ता प्लीज रिमेम्बर दिस नेम MCQs में आपसे पूछा जा सकता है वो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करते थे और एंड कभी कभी जयंतो भी उनके साथ हिस्टोरिकल प्लेसेस भी जाते थे और जयंतो भी बूंदी आया था ही ऑलवेज वॉन्टेड और वो हमेशा से चाहता था देखो ये चीज पूछी जा सकती है आपसे जब आपके रीजन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि वो हमेशा से वापस जाना चाहता था उसी प्लेस पर जहां पर वो रहा था और वो कंपेयर करना चाहता था ओके क्वेश्चन कैन बी कि बीसो वॉन्टेड टू गो बूंदी अगेन और टू विजिट बूंदी अगेन तो इट रीजन दैट वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि मॉडर्न बूंदी कैसा है एज कम्पेयर टू इमेज जो उसके पास है लाइक like आपके पास भी आपके बचपन की फोटोज होंगे तो यू वुड बी सींग ओ ये जो पार्क है ये ऐसा था पहले ठीक है या, या ये जो कॉलोनी है ये जो घर थे ये ऐसे थे एज कम्पेयर टू वॉट यू आर देम नाउ तो ऐसे वो भी कंपेयर करना चाहता था फिर उसके बाद सर्किट uh, हाउस का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ सर्किट हाउस हैव ऑलरेडी शोन यू इन द पिक्चर्स जब हमने ये वाली पूरी आपको एक्सप्लेन की थी पीडीएफ ये वाला यू विल गेट इट ऑन टेलीग्राम जितने भी दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स थे दो तीन साल के सब वहीं पर ही पड़े हुए प्रीवियस ईयर पेपर्स भी थे जो इंग्लिश के वो भी वहीं पर ही यू कैन चेक फ्रॉम देयर फिर ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपका दिया हुआ है सर्किट हाउस का तो ये आप पढ़ सकते हो बहुत डीपली क्वेश्चन कि हाँ अः काउंसिल सारी मतलब स्टोरी को छोड़ करके वो एक चीज का डिस्क्रिप्शन मांगेगा बट हां आप उसको पढ़ सकते हो इन जनरल ठीक है उसके बाद दिया हुआ है फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ बूंदी कि ये कैसी प्लेस थी कि Uh, there was a famous fort of Bundi was placed amidst the hill. तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जितना description है वो Bundi का दिया हुआ है, जो story के summary या इन सब चीजों से related नहीं है। तो बहुत ज्यादा शांत हो गया वेन ही केम टू दिस प्लेस इन मतलब शंकर वुड बी एक्सपेक्टिंग की वो थोड़ा सा एक्साइटेड रहेगा लेकिन वो थोड़ा ज्यादा मायूस सा शांत मायू साड सा, सा हो गया था और ऐसे लग रहा था कि हाँ ये थोड़ा सा डिप्रेस हो गया है क्योंकि जहां पर उसने अपना बचपन गुजारा है वहीं पर ही वो चीज उसको दोबारा से याद आ रही है तो बिसाइड्स जयंतो वो सर्टेनली इमोशनल अदर पीपल यहाँ पर जहां जहां पर जयंतो का ये वाला साइड शो किया गया आपको वो वाली थीम इसमें समझ में आ रही होगी वेर एवर ही इज बींग शोन एज एर एज इमोशनल तो होमसेक नोस्टालिया या फिर द लव फॉर अ प्लेस ठीक है हिज इमोशनल साइड जयंतो का जितना भी है तो उसका कैरेक्टराइजेशन में ऑल्सो यू कैन मैंशन इट हेयर फिर उसके बाद ही पुट हिज कप डाउन ऑन द टेबल और उसने बोला यू नो शंकर इट इज रियली क्वाइट स्ट्रेंज फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था आई यूज टू सिट क्रॉस पर आके इन चेयर से बैठता था था क्योंकि मैं बहुत छोटा सा था, तो ऐसा लगता था, था कि मैं किसी सिंहासन पर बैठा हूँ और आ, अब ये जो चेयर्स हैं ये साइज में भी स्मॉल है और बहुत ही ज्यादा ऑर्डनरी है अब चीजें वो कंपेयर कर रहा है ठीक है तो वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं इसमें अः कुछ एग्जाम्पल्स आप इसके ले सकते हो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि Uh, उस टाइम पर हाउ uh, जेंटो तो, हाउ जेंटो तो फेल कि जो चीजें हैं बूंदी में वो पहले ऐसी थी और अब ऐसी हैं तो उसका एक एग्जांपल ये चेयर भी हो गया फिर द ड्राइंग रूम हियर सीम टू बी एब्सोल्युटली एनॉर्मस पहले जब वो छोटा था तो जो ड्राइंग रूम था क्योंकि ऑबवियसली वो छोटा सा बच्चा था छह साल का तो वो बहुत बड़ा सा ड्राइंग रूम लगता था अब uh, चीजें बिल्कुल ही नॉर्मल हो गई हैं उसके लिए तो शंकर कहते हैं कि हाँ ये परफेक्टली नेचुरल है एज अ चाइल्ड जब भी वन इज स्मॉल इन साइज तो इसीलिए सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा बिगर दिखती हैं जैसे आप ग्रो करते जाते हो एज के साथ साथ साइज में भी तो बाकी सारी चीजें जो है वो छोटी दिखती जाती हैं ठीक है फिर ये कौन सी ट्री की डिओडर ट्री की बात हुई यहाँ पे आई ओट टू बी हेयर समवेयर ही जयंतो एंड बिगे कंपाउंड में वहां जाकर के जोर से मतलब आई यूस टू टेक लॉन्ग डिसाइसिव स्टेप्स एक तरफ एक डायरेक्शन में जाकर के मैं वहां पर बैठ जाता था तो उसके बाद अ फ्यू सेकेंड लेटर आई हर्ड दिस हिज वॉइस एक्सक्लेमिंग जुबिलेंटली अब वो थोड़ी देर बाद बहुत ज्यादा खुश होता है अ फ्यू सेकेंड्स लेटर आई हर्ड हिज वॉइस एक्सक्लेमिंग यस इट्स हियर एग्जैक्टली वेयर इट वाज बिफोर कि हाँ, ये चीज वही है जहां पर ये पहले थी ठीक है फिर ऑफ कोर्स इट्स वेयर इट इज बिफोर आई सेड वुड अ ट्री गो रोमिंग अबाउट कि क्या शंकर कहते कि क्या वो जो ट्री है जिसकी बात तुम यहां कर रहे हो जयंत तो? तो वो इधर उधर भाग तो नहीं जाएगा अब शंकर का जो नेचर यहाँ पर आप देखोगे आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल साइड उसका देखोगे एज कम्पेयर टू तो दोनों का कंट्रास्ट भी आपसे पूछा जा सकता है कि आ, जहां पर वो ट्री के लिए हैप्पीनेस शो कर रहा है वो देखो ये यह यहीं पर ही है तो सेम जगह पर शंकर जो है वो बहुत ज्यादा कामिंग नेचर का है प्रैक्टिकलिटी अपनी शो कर रहा है ठीक है तो इनके बीच में यही वाली एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है उसके बाद अ फिर यहाँ पर कुक की बात की गई है देन उसके बाद धीरे धीरे करके वो जितने भी ये सारे बातें उसके बारे में करे इसके बाद ये यह लोग यहाँ पर मेन आते हैं जहां हिज डॉल एंड स्लोली इन बिट्स एंड पीसेज ही रिकॉल द होल बिजनेस अबाउट हिज डॉल उसके पास एक डॉल थी अब इट वॉज नॉट अ यूजल काइंड ऑफ डॉल ये उसका डिस्क्रिप्शन है ठीक है ये दिस यू नीड टू प्रिपेयर आपसे भले सर्किट हाउस और बूंदी नहीं पूछा जाएगा बट डिस्क्रिप्शन ऑफ यू आर सपोज टू प्रिपेयर हो सकता है कि आपसे के बारे में डायरेक्टली ही एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वो कैसी जो डॉल थी वो कैसी दिखती थी तो ऑब्वियसली वो इट वॉज ब्रॉड फ्रॉम स्विट्जरलैंड एक ट्वेल्व इंच बड़ी डॉल थी ये मैं आप लोगों को दिखा भी सकती हूँ कि अगर डॉल होगी तो वो कैसी होगी जस्ट अ मिनट मैं तुम लोग को अभी दिखाऊंगी अभी जस्ट ठीक है तो इसको देख सकते हो रुको लोगों पहले देख लू कि दिखाने लायक है भी कि नहीं है जैसे ये दिस इज माई काइंड ऑफ फ्रिट ओके तो ऐसी ही एक बड़ी सी मतलब ट्वेल्व इंच ये तो इवन उसे डबल है एक ट्वेल्व इंच की ट्वेल्व इंच हो जाएगा तुम लोगों का शायद जो बड़ी वाली स्केल होती है उतनी और ये उससे ज्यादा ही बड़े साइज की है मतलब ऑलमोस्ट अ टू ईयर चाइल्ड जितना बड़ा होता है उतनी बड़ी ये डॉल है दिस टू तो मी बाय फादर तो अभी मैं इसको रख दूं। वापस हम लोग आ जाते हैं देखो इसको भी कहते हैं बचपन की मेमोरीज एंड ऑल तो हाँ ओके तो ये डिस्क्रिप्शन आपसे पूछा जाएगा अबाउट फ्रिड्स देन

बॉय के जैसा ही उसको ड्रेसअप किया गया है यू मस्ट कॉल हिम बाय दिस नेम ही रिस्पॉन्ड टू एनी अदर मतलब वो जोकिंगली कहता था कि इस डॉल को अगर आपको कुछ बुलाना है तो उसको उसके नेम से ही बुलाओगे उसके अलावा नहीं तो वो सुनेगा नहीं ठीक है फिर जयंतो के पास बहुत सारे डॉल थे अब ये फ्रिट्स का रोल आप कह सकते हो आप इसको कह सकते हो कि हाउ मच जयंत तो मेरे, मेरे पेरेंट्स दिया था बट uh, जब मेरे पास तो मैं बाकी सारे डॉल्स को भूल गया था बाकी जितने भी टॉयस थे मैं किसी के साथ नहीं खेलता था आई यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद डॉल हम लोग की कॉन्वर्सेशन ऑब्वियसली वन साइड होती थी बट का जो फेस था वो उसने फनी स्माइल थी और उसके लुक इन हिज आईज की ऐसा लगता था कि वो सारे वर्ड समझ रही है समझ रहा है ही डॉल को यहाँ पर बोला गया तो इसलिए और समटाइम्स कर भी रही है तो ये उसकी चाइल्ड लाइक फैंटेसी थी बट ऑब्वियसली ये सारी चीजें होल थिंग जो थी उसके लिए बहुत ज्यादा रियल थी उसके पेरेंट्स ने बहुत बार उसको वॉर्न भी किया कि भाई चीजों को ओवर डू मत करो जैसे होता है ना कि आप फोन इतना ज्यादा मत यूज करो इवन एट योर एज ऑल्सो छोटे बच्चों को तो बोला ही जाता है आप लोगों को भी बोला जाता होगा कि बहुत ज्यादा मत यूज करो तो ओवर डू करना, को में करना नहीं चाहिए तो इसमें वो कहता था कि आई आई हैड हैड नॉट बीन पुट इन स्कूल सो ऑल द टाइम और उस समय तक मैं स्कूल में भी नहीं गया था इसलिए मेरे पास बहुत सारा समय था फ्रिट्स के लिए फिर उसके बाद जयंत तो जो एकदम शांत हो जाता है फिर वो देखता है कि काफी ज्यादा समय हो गया है अब आ, शंकर के दिमाग में क्वेश्चन है कि जब ये इतना ज्यादा बूंदी और फ्रिड्स फ्रिट करता है तो वो डॉल कहाँ गई है तो अभी तक जयंत उस चीज का जवाब नहीं देता है आ, वो कहता है कि आ, मैं उसको लेकर के आया था बूंदी में और यहाँ पर ही वो खराब हो गई डिस्ट्रॉय हो गई थी तो वो पूछता है कि कैसे डिस्ट्रॉय हो गई थी तो अब आ, दिस इज इम्पोर्टेंट ठीक है ये पूरा स्टेटमेंट इज इम्पोर्टेंट सी इसमें ये वाला जो है इसमें इतने ज्यादा कुछ खास कोट्स नहीं है बट हाँ जो जो चीजें डिस्क्रिप्शन हो गया वो सारे आपको पढ़ना इज नेसेसरी अगर हमने आपको बोला है कि फ्रिट्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ना है मीन्स यू हैव टू स्टडी दैट ठीक है फिर यहाँ पर सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि आई हैड केप्ट द डॉल बाय माई साइड ऑन द ग्रास तो उस टाइम पर आई इंसिस्टेड एंड इन द प्रोसेस टिल्टेड फ्रॉम एंड सम हॉट टी फेल ऑन कि मेरे ऊपर थोड़ी सी टी गिर गई थी और जब मैं चेंज करने के लिए गया तो फ्रिज जो है वो वहां से गायब हो गई जो डॉल थी मैंने इधर उधर इर्द गिर्द देखा बट कुछ कपल ऑफ स्ट्री डॉग थे जो उसके साथ टग ऑफ वॉर के टग ऑफ वॉर मतलब होता है कि अगर आपके पास एक टॉय है तो इस टॉय को एक इंसान इधर से खींच रहा है एक इंसान इधर से खींच रहा है ठीक है

उसको बहुत ज्यादा टुकड़ों में नहीं बांटा गया था बट उसका जो फेस था वो बहुत ज्यादा इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था उसके क्लोथ स्टोर्न हो गए थे और उसके बाद उसको फिर ही वॉज नॉट एनी मोर एंड देन जयंतो की स्टोरी जो है वो और ज्यादा क्यूरियस हो गया तो आई अरेंज हिज फ्यूनरल तो उसने कहा जयंतो ने कहा कि मैंने उसके फ्यूनरल के लिए अरेंज किया था मैंने उसको बरी कर दिया इसी डिओडर ट्री में प्लीज रिमेम्बर द नेम ऑफ दिस ट्री पूछा जा सकता है आपसे पहली चीज की हुआ क्या था डॉग्स uh, ने टग ऑफ वॉर खेल ली थी उसके साथ और उसको कहां पर बरी किया गया था ठीक है आई हैड वॉन्टेड टू मेक अ कॉफिन फ्रिड्स वॉज आफ्टर ऑल अ यूरोपियन बट आई कुड नॉट फाइंड नथिंग तो इसीलिए यहां पर बोला गया ना कि उसको लिटिल बॉक्स में क्यों डाला गया था क्योंकि उसको कॉफिन नहीं मिला एंड उसको कॉफिन क्यों नहीं मिला क्यों उसको कॉफिन की जरूरत थी बिकॉज़ इट द डॉल वाज यूरोपियन तो उसको उसी कस्टम्स uh, uh, के साथ ही उसको वो चाहता था कि उसको विदा करें ओके okay. उसके बाद नॉर्मल नॉर्मल कन्वर्सेशंस आर देयर बिटवीन देम इतना कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अ uh, Uh, फिर शायद ये लोग रात में कुछ सो रहे थे स्विच्ड ऑन एंड इन इट्स साइड इट वाज इजी टू लुक द एंजाइटी ऑन हिज फेस फिर उसने पूछा शंकर ने कि क्या हुआ वो आयु ओके okay? तो जयंतो कहता है कि क्या ये सर्किट हाउस में कुछ स्मॉल एनिमल्स हैं कैट्स या माइस तो कहते हैं, नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है और हो सकता है कि ऐसा कुछ हो तो जयंतो कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि समथिंग वॉकड ऑन माय चेस्ट और uh, uh, तो शंकर कहता है ये एस और जे करके लिखा हुआ है रैट्स और माइस जो होते हैं वो यूजुअली हो सकता है कि ड्रेन्स के थ्रू आ सकते हो बट ये आई नेवर न्यू कि वो लोग हम लोग के बेड तक क्लाइम कर जाएंगे ओके फिर जयंत तो अभी भी उसको कुछ चीजों का श्योर नहीं था तो उसके बाद फिर रात में ये लोग एक नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन रख करके फिर दे जस्ट गो बैक एंड स्लीप फिर आ, Then um uh, was hard, staring hard at upon the quilt. Seeing he pulled a portion of it near the lamp and look at this. So they ko yaha par kya ho, uh, इसमें देखो लिखा हुआ है कि जब ये लोग वहां पर देखा इसने कि जो क्विल्ट थी रजाई जैसी थी उस पर देखा तो वहां पर उनको क्या दिखा टाइनी ब्राउन सर्कुलर मार्क्स दिखे ब्राउन सर्कुलर मार्क्स आप कह सकते हो जैसे कि कैट के हो सकते हैं या फिर लिजर्ट के हो सकते हैं तो वैसे करके छोटे छोटे पंजों के निशान उनको दिखे तो जयंतो ने कुछ बोला नहीं हो सकता है कि वो कैट द्वारा बनाए गए हूँ बस इतना ही दे गॉट टू नो ओके okay, अब कितना बच चुका था उस टाइम तक 2:30 हो चुका था देन आफ्टर मर्मरिंग अ फ्यू सूदिंग वर्ड्स उसके बाद वो थोड़ा सा शांत हुए फिर वो लोग सो गए फाइनली फिर सुबह दे हैड देयर ब्रेकफास्ट सम ऑफ जेंडोस ओल्ड फॉरगॉटन मेमोरीज बिगन कमिंग बैक अगेन तो उसके बाद देन uh, बस काम की इसमें चीज यही है

Uh, डर लग रहा है ये कहानी पढ़ पढ़ करके ठीक है कहीं मेरी ही डॉल ना जग जाए ओ गॉड ओके कमिंग बैक टू द स्टोरी यू डिन्ड सी एनीथिंग डिड यू आई सेड फाइनली तो कहता है जैन तो कहता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा और उसके बाद uh, फिर लास्ट में एकदम लास्ट में सी दिस इज uh, मेयर रीडिंग uh, पार्ट जो आप लोगों सिर्फ रीड ही करना है इसमें कुछ है नहीं आसो एक्चुअली कुड बी शोन ऑल वाज लेफ्ट ऑफ डॉल ही माइट बी एबल टू रीड हिमसेल्फ ऑफ द व्यूअर नोशंस की जितना भी उसका बिलीफ है कि एक्चुअल में डॉल जिसको मैंने बरी कर दिया था वो चल करके आई थी तो वो सारी चीजों से खत्म होने के लिए वो सिर्फ इतना चाहते थे कि उसको हम लोग नो डाउट मोस्ट ऑफ इट हैव बीन डिस्ट्रॉयड बट हो सकता है कि कुछ चीजें जैसे बकल हो गया बेल्ट का ब्रास बटन हो गए वो सारी चीजें हो सकता है कि मिल जाए तो इसके लिए वो चाहते थे कि हम लोग उसी प्लेस पर जाकर के फ्रिज को दोबारा से डिक करके देख सकते हैं कि एटलीस्ट uh, ये जो उसका वहम है वो इल्यूजन है तो वो सारी चीजें खत्म हो जाए तो फिर पूछा जाता है क्वेश्चन कम्स टू द माइंड कि हु विल डू दिस डिग इन कि भाई आप कहाँ पे वो स्पेड या वो जो जिससे आप डिग करोगे वो टूल आप कहाँ से ढूंढोगे ठीक है तो वहां पर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर गार्डन है तो ऑब्वियसली एक गार्डनर होगा वहां पर और उसके पास वो स्पेड भी होगा हम इस, उसी को ही बोलेंगे तो आफ्टर लंच तो वो लोग दे सैट इन केन चेयर्स और उसके बाद दे अपियर टू बी नो वन एल्स इन द सर्किट हाउस तो एक एरी सी स्ट्रेंज ऑफ फ्राइटनिंग तो तीन पीएम के अराउंड एक मैन आया गार्डन में जो वॉटरिंग कैन लेकर के ओल्ड मैन था उसके हेयर साइड ऑल वर वाइट एवरीथिंग वाज वाइट ठीक है फिर तो उसी से ही उसे उसने पूछा कि वाई बाबू ही हैंड ऑन हिज शोल्डर एंड सेड डोंट वरी अबाउट द रीजन

और कितने इंचेस डिक करना था उसको एटलीस्ट एट इंचेस तक उसको डिक करना था तो गार्डनर ने स्टार्ट किया डिगिंग और उसने बोला कि अगर इसमें एश सच कुछ हिडन uh, ट्रेजर या कुछ होता है तो उनको भी उसको भी शेयर करना होगा आई हैड अ लाफ एट दिस बट जयंतू का फेस जो था उसमें जरी सी भी ट्रेस ऑफ एम्यूजमेंट नहीं शो हो रही थी ये स्टेटमेंट अच्छी है इसको पढ़ लेना uh, क्योंकि वो बहुत सीरियस था उस टाइम पर और सबसे लास्ट में जो स्पेड स्लिप्ड फ्रॉम गार्डनर्स हैंड आई टू गेव्ड एट द ग्राउंड ओपन माउथेड इन हॉरर अमेजमेंट एंड डिसबिलीव कि जहां पर फ्रिट्स को उन्होंने बरी किया था वहीं पर ही 12 इंच लॉन्ग फ्रिट्स के ही ओ गॉड डर लग रहा है मुझे फ्रिट्स के ही साइज का 12 इंच लॉन्ग एक प्योर वाइट परफेक्ट लिटिल ह्यूमन स्केलेटन उनको दिखाता तो द लास्ट थीम दैट इज सुपर नेचुरल एलिमेंट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं एवरीवेयर जहां पर आपको फ्रिट्स के बारे में शो किया जाएगा ये बताया जाएगा आपको आ, ये लास्ट स्टेटमेंट मेंशन करना है कि भाई उनका क्या रिएक्शन था ये व्हाट व्हाट इज दैट वाला रिएक्शन से लेकर के ये लास्ट फोर लाइंस आर इंपॉर्टेंट फ्रिट्स का डिस्क्रिप्शन इज इंपॉर्टेंट जहां पर वो एक्चुअल में चल करके गई थी या हम लोग को ऐसा लग रहा है कि चल करके गई थी तो वो वाला भी जो पार्ट है वो आपको इसमें मेंशन करना होगा इन सुपर एलिमेंट्स अगर आता है तो क्वेश्चन ओके okay, तो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स अ नेक्स्ट स्टोरी नाउ दिस इज क्वालिटी सी क्वालिटी में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं टू टेल यू ऑल बारह पेजेस की तो ये स्टोरी ही uh, शो हो रही है मुझे ठीक है अब यहाँ पर दम्पलीट थिंग दैट कुछ ही चीजें एक वेर एवर द नरेटर जो है वो तारीफ करता है ऑफ द शूज कि भाई परफेक्ट फिट थे तो एवरीवेयर uh, वो परफेक्ट फिटिंग हो गई वो रशियन लेदर वो लोग जो यूज करते थे वो सारी चीज क्योंकि उसमें ये जो दो भाई की कहानी है वो मुझे ही नहीं समझ में आई है क्या भाई दो भाई कौन से भाई थे आई डोंट नो इवन ठीक है तो क्वालिटी में द मेन थिंग यू नीड टू रिमेम्बर इस कि भाई क्वालिटी कैसी थी वहां की उस पर्टिकुलर शूज की जो बनाते थे परफेक्ट फिटिंग आती थी एकदम हैंड से बनाते थे उसके बाद आर्टिस्ट का जो उनका खुद का जो डिवोशन था इसमें वो चीज आपको शो करनी है आर्टिस्ट के डिवोशन में एंड लास्ट में जो उनका खुद का आ, कह कह सकते हो डिस्ट्रक्शन या एक्सटेंशन था वो सारी चीजें इसमें होगी कि लास्ट में वेयर जस्ट बिकॉज की वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाए इवेंचुअली वो इट लेड टू देयर ओन डू ठीक है तो स्टार्टिंग में जहाँ से वो शुरू करता है अपनी कहानी को कि मतलब मेरे फादर के समय से ये सारे जो भी शूज से हम बनवाते थे वैसे तो हम लोग भी बिलोंग टू मतलब अ नाइस प्लेस बट स्टिल वहां पर हम लोग जैसलर ब्रदर्स जो थे उनसे ये वाले जो शूज हैं वो बनवाते थे अब ये जो क्वालिटी का ऐसा है देवर टू ब्यूटिफुल पेयर ऑफ पार्म सो इन एक्सप्रेसली सिम पेटेंट लेदर्स विद क्लॉथ टॉप्स मेकिंग वाटर कम इन टू वन माउंट ये जितनी भी चीजें आपको दी गई है इस स्टोरी में दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वालिटी स्टोरी में आपसे बहुत ज्यादा ये चीजें पूछी जाएंगी कि हाउ दे वर मतलब ये कैसे थे जो भी शूज थे वो कैसे थे या क्वालिटी के बारे में उसके बाद दिल हैव अ कॉन्वर्सेशन की ये अब ये आर्टिस्ट के बारे में दिया गया ना इट इज एन आर्ट ठीक है तो ये सारी चीजें उस पर्टिकुलर आर्टिस्ट वो डिवोटेड आर्टिस्ट के बारे में बताई गई है फिर उसके बाद देन अगेन सबसे लास्ट में दिस इज नॉट मच ये भी अगेन एक मेयर रीडिंग है इसके हम क्वेश्चंस आप लोगों को दे देंगे ठीक है जहां पर द uh, स्टोरी

वाला जितनी भी कॉन्वर्सेशन है इनके बीच में दैट अ वीक लेटर पासिंग द लिटिल स्ट्रीट आई थॉट कि मैं वहाँ पर जाऊं कुछ न्यू बूट्स बनवाने के लिए और उनको बताऊं कि जो आपसे बनवाए गए थे वो कितना ज्यादा अच्छे से फिट हुए तो पहले ये भी था कि पहले उनकी टू शॉप्स थी फिर उनकी वन शॉप हुई तो ये सारी चीजें क्या थी ये भी आल्सो जस्ट बिकॉज दे क्वालिटी दे वर नॉट एडवरटाइजिंग देर शूज इसीलिए वो लोग स्लो स्टावेशन के तरफ जा रहे थे एंड इवेंचुअली इट लेड टू द डूम या फिर उनका जो एकदम खत्म हो जाना वाली चीज थी वो उनके साथ हुई है तो वहां पर हम देखे थे बट आई केम टू वेयर उसकी शॉप हैड बीन उनके जो नेम थे वो हट चुके थे स्टिल देयर विंडो कुछ स्लिम पंप जो थे वो टंगे हुए थे शूज ही होते हैं काइंड ऑफ वो मैंने फोटो में आपको दिखाया है जब हमने ये वाली स्टोरी पढ़ाई है तब तो दैट यू कैन सी फ्रॉम देयर तो वो वाले शूज थे वो वहां पे टंगे हुए थे बट मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था टू लिटिल शॉप अगेन मेड इन टू वन एक यंग मैन था विद एन इंग्लिश फेस मिस्टर जैसलर इन तो वो पूछता है कि क्या मिस्टर जैसलर है वहां पर तो उसने मुझे एक बहुत ज्यादा बट हाउ मे आई हेल्प यू यू कैन टेल एस टू अस जो वो शॉप है दैट हैज बीन टेकन ओवर बाय अस ठीक है और यू हैव सीन आर नेम नो डाउट नेक्स्ट रोड जो बगल वाली शॉप थी वो मेरी थी अब हमने Uh, इसको भी खरीद लिया है तो वो पूछता है कि हाँ हाँ बट मिस्टर जेस्लर वेयर इज ही तो वो बोलता है uh, में एक हफ्ता पहले ही उनसे मिला था नरेटर जो है वो कहता है पुअर ओल्ड मैन जो था वो धीरे धीरे खाना उसका कम हो गया एंड ही इवेंचुअली इट इवेंचुअली लेड टू स्टारवेशन भूख से मरना दो द डॉक्टर कॉल्ड इट यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे वुड कीप द शॉप ऑन शॉप वो हमेशा ओपन रखता था किसी और को अपने बूट नहीं टच करने देता था कोई और इंसान या कोई और पर्सन को एज अ सर्वेंट या हेल्प के लिए नहीं रखता था वेन जभी भी उसको ऑर्डर मिलता था तो वो इतना ज्यादा टाइम लगाता था कि लोग वेट नहीं करते हैं लोगों को चाहिए कि हम जो भी ऑर्डर करें हमें दो दिन में मिल जाए ही लॉस्ट एवरी बॉडी ने इतने अच्छे बूट नहीं बनाए होंगे ये पूरा ही पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है आप तोड़ तोड़ के जहां जहा आपको लगता है कि आप उसके कोर्ट प्रिपेयर कर सकते हो इन योर ओन वर्ड वेल एंड गुड नहीं कर सकते हो ये प्रिपेयर कर सकते हो तो वेल एंड गुड नहीं कर सकते हो तो आप उसको अपने ऑर्डर में अपने में, अपने आंसर में में वर्ड्स लिख सकते हो जहां पर अच्छा लगता है स्लो स्टारवेशन इज अ गुड वर्ड वो आप लिख सकते हो ही लॉस्ट एवरीबडी लिख सकते हो वेन ही गॉट एन ऑर्डर इट टुक हिम सच अ टाइम पीपल वेट ये सारी चीजें आप लर्न कर सकते हो वुड हैव बेस्ट लेदर टू एंड डू इट हिमसेल्फ वेल देयर इट इज वुड यू एक्सपेक्ट विद दिस आइडियाज और उससे ज्यादा आप क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे उसके आइडिया से और ये वाला भी पार्ट बट लुक एट द कॉम्पिटिशन वो कभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं करता था अपने प्रोडक्ट की तो इसीलिए स्टारवेशन uh, तो लास्ट uh, में वो कहता है कि हा स्टारवेशन बट दे बट मे बी बिट फ्लारी एज देंग इज

हाउ ही लिवड सो लॉन्ग ये इतने लंबे समय तक कैसे जी लिया उसको मैं भी यही सोचता हूँ गो आउट ही वॉज अ कैरेक्टर मतलब कि जितनी भी चीजें थी अब वो लास्ट तक एकदम खत्म हो जाती थी He but he made good boots. But eventually he made good boots. ठीक है फिर and I turned and went out quickly, for I did not want the youth to know

स्टोरी uh, uh, में ओके मूविंग टुवर्ड्स टूवर्ड्स नेक्स्ट वन द नेक्स्ट इज स्टोरी ऑफ एन आर बहुत ही इजी दर इजी स्टोरी है बस ये है कि आपको अगेन इसकी भी बहुत ज्यादा रीडिंग करनी है हो सकता है कि मैंने इतनी बार पढ़ी हो इसलिए मुझे बहुत आसान लग रही हो ये वाली स्टोरी तो दिस स्टोरी जिसमें मिसेस मिलार्ड मिस्टर मिलार्ड जोजफीन एंड रिचर्ड होते हैं uh, ठीक है जोसफीन इसकी सिस्टर एंड रिचर्ड इनके फ्रेंड्स होते हैं फैमिली फ्रे, फ्रेंड होते हैं तो मिसेज uh, मिलार्ड उनको एक कुछ प्रॉब्लम दी दैट वाज अ हार्ड ट्रबल और इसीलिए कोई भी न्यूज अगर उनको बतानी थी तो वो बहुत ज्यादा ग्रेट केयर से बतानी थी और उसके बाद पता ये चला था कि इनके जो हस्बैंड है मिसेस मिलार्ड के जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो गई है और ये चीज उसकी सिस्टर उसको बताएगी इट वॉज हर सिस्टर ये क्वेश्चन भी आया था MCQ में कि किसको उसको बताना? कौन उसको बताया तो मिलाड की सिस्टर ने उसको बताया ब्रोकन सेंटेंसेस में इससे पता चलता है कि जोजफीन खुद कंसिडर करती थी मिसेस मेलाट को कि वो बहुत ज्यादा वीक नेचर की है ठीक है एंड यहाँ पर इसका जो आ, थीम है दैट इज आई एम टेलिंग यू दिस इज इंडिपेंडेंस ठीक है जिसके अभी यहाँ पर आगे शो किया जाएगा इंडिपेंडेंस एंड दैट सोशल ऑपरेशन या मैरिटल ऑपरेशन उसके ऊपर जो था आफ्टर uh, मैरिज जैसी एक लाइफ होती है वो uh, यहाँ पर शो की गई है ठीक है जोसेफिन uh, उसको ब्रोकन सेंटेंसेस में छुपी हुई ही हिंट्स में बताती है कि उसके हस्बैंड जो है इज डेड हर हस्बैंड्स फ्रेंड रिचर्ड वाज देयर नियर हर इट वाज ही जिसको और ये चीज सबसे पहले पता किसको चली थी रिचर्ड को ही पता चली थी जिसने न्यूज़पेपर ऑफिस में ये चीज जानी व्हेन इंटेलिजेंस ऑफ द रेल रोड डिजास्टर वॉज रिसीव जब इंफॉर्मेशन ऑफ रेल रोड डिजास्टर जो है इट वॉज ऑन द लिस्ट ऑफ द किल्ड जो, जो लोग की डेथ हो गई है उनमें सबसे ऊंचा नाम सबसे पहले नेम जो था वो था ब्रेंटली मिलार्ड का दैट वॉज द हजबेंड ऑफ मिसिज मिलार्ड ठीक है Uh, uh, ही टेकन और जैसे रिचर्ड जो है वो भाग भाग के गया इसको बताने के लिए इससे पहले कि कोई और कम टेंडर या फिर कम सिंपेथेटिक इंसान ये सैड न्यूज ना बता दे तो ये शो करता है कि रिचर्ड कितना ज्यादा वो ना you know, हम लोग ने बहुत सारी मूवीज में देखा है कि इंसान बहुत ज्यादा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ झूठ बोल रो झूठ बोल रो शी एट वंस स्टार्टेड क्राइम उसने बहुत जल्दी चीज को एक्सेप्ट कर दिया सडन वाइल्ड अबंडनमेंट की एकदम ही सब कुछ छोड़-छाड़ करके शी स्टार्टेड क्राइंग इन हर सिस्टर्स आर्म जब जो स्टॉर्म ऑफ ग्रीफ था हैज हैड स्पेंट इटसेल्फ शी वेंट अवे तो उसके बाद वो उठी उसने खुद को संभाला वो अपने रूम में चली गई और उसके बाद वहां पर जा करके शी सैट देयर बहुत ही कंफर्टेबली थोड़ी देर के लिए वो वहां पर शी वाज जस्ट क्वाइट uh, उसके उसके बाद uh, उसके जो हाउस था जहाँ पे एक ओपन uh, फील्ड थी वहां से ये सारी चीजें दिख रही थी जिसको आपको पढ़ना इज नेसेसरी कि ठीक है भाई ये नजारा था वहां का इट जस्ट मींस द ओपन न्यू लाइफ जो उसको दिख रही थी वहां से शुरू या फिर uh, uh, ये जो है यहां से उसका अपियरेंस दिया हुआ है आप पढ़ सकते हो उसको क्योंकि ये आपके कैरेक्टराइजेशन में आ जाएगा शी वॉज यंग फेयर काम फेस था उसका हुज लाइन्स बी स्पोक रिप्रेशन इवन अ सर्टेन स्ट्रेंथ ठीक है ये दिस यू कैन प्रिपेयर जो उसके अपियरेंस के बारे में दिया हुआ है बट अभी उसकी हालत कैसी थी देर वॉज अ डल स्टेयर इन हर आईज हुज गेज वॉज फिक्सड ऑफ योंडर वहीं कहीं दूर ब्लू स्काई में क्योंकि विंडो साम, के सामने बैठी थी ना दूर से उसको ब्लू स्काई दिख रहा था वहां पर वो बैठी हुई थी एंड uh, अभी के लिए शी वॉज वेरी इट टू टू और नेम अभी के लिए शी वेरी शांत ठीक है मतलब क्या था क्या था वो अंदर उसके जो इमोशन था नो वन कुड अंडरस्टैंड इजिली तो इसीलिए अभी के लिए शी वॉज शांत बट धीरे धीरे नाउ हर बॉजम रोज एंड फेल टमल या हाउ वी फीलिंग हम लोग भी जब बहुत ज्यादा रो लेते हैं तो थोड़ी देर बाद नहीं खुद ही को रीजन देकर जस्टिफाई करके खुद को संभाल लेते हैं ओके तो दैट इज वर्स्ट वॉट शी वॉज डूइंग अब लास्ट में एक्चुअली नाउ शी वॉज

तो उसमें से कुछ आवाज निकली वट वॉज दैट आवाज दैट वॉज फ्री फ्री एंड फ्री स्टेयर एंड द लुक ऑफ टेरर हैड फॉलोड इट वेंट फ्रॉम हर आइस की ये सारी चीजें अब जो दुख दर्द पीड़ा था वो उसके आइस से जा चुका था uh, ठीक है तो ये जो वर्ड्स हैं दिस इज इम्पोर्टेंट शी सेड इट ओवर एंड ओवर अगेन यहां से यहां तक इज इम्पोर्टेंट पढ़ लेना उसको

या फिर दुनिया को वो चीज नहीं दिखाना चाहती है दैट शी इज नॉट गुड इनफ इन हर लाइफ और इन हर मैरिज बट हाँ वो एज अ नाइस वाइफ वो वो चीज दिखाना चाहती है कि हाँ शी विल क्राई अगेन शी नोज दैट शी इज इमोशनल उसको वो चीज पता है बट उसके अलावा बियॉन्ड दैट बिटर मोमेंट कि उस पर्टिकुलर बिटर मोमेंट के अलावा एक लंबी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ इयर्स टू कम That would belong to her absolutely, जहां पर शी इज नॉट गी एनगर्फ और एम्बरेज इन एनी ऑफ द रिलेशनशिप्स ठीक है चाहे वो वाइफ का हो चाहे वो सिस्टर का हो चाहे वो भाभी चाची मामी का हो तो वो सारी चीजों में वो नहीं एनगर्फ है अब उसके लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ इयर्स है जिसमें वो खुद अकेले ही रहेगी ये जितनी भी चीजें इसके बारे में दी हुई है ठीक है ये सब यू हैव टू प्रिपेयर आप थोड़ा थोड़ा कर करके इसको तोड़ लो जी जितनी भी चीजें इसमें दी हुई है जहां पर जब तक वो उठ के बाहर नहीं जाती है ये द होल थिंग दैट वॉज इन द रूम कि उस जितनी भी स्टेटमेंट्स इवन उसने अगर कुछ बोला है ये फ्री फ्री वाला तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है

तुम कुछ कर मत लेना तो उसके बाद शी ओपन द डोर अपने uh, जो भी सिस्टर uh, है उसके पास गए देर वॉज अ फीवरिश ट्राइम इन हर आईज की हाँ बहुत रोई भी थी और उसके बाद शी वॉज हैपी एंड शी उतरे ही

मतलब वो एक्सेप्ट कर चुकी थी कि उसको शी हैज अ लॉन्ग इयर्स टू लिव अलोन शी इज फ्री फ्रीडम शी इज लिबरल ठीक है लेकिन एंड में जब उसका हस्बैंड आ जाता है वहां पर तो डॉक्टर वो दुख से मर जाती है लेकिन डॉक्टर कहता है कि इट इज अ जॉय क्योंकि उसका हस्बैंड जो है है वो जिंदा तो वो जॉय से मर गई है तो दिस इज द दिन दैट इज रिटन हियर कि सबको ये लगता है बर्ड ब्रेंडली के जो डेथ थी उसने उसको एक ग्लिम एक झलक दी थी उसकी नई लाइफ की और उसकी जो नई लाइफ है वो तुरंत ले ली गई थी जैसे उसका हस्बैंड वापस आया था ठीक तो दिस इज स्टोरी ऑल अबाउट जिसमें आपको ये छोटी सी ही स्टोरी है तीन हार्डली थ्री पेजेस की होगी तो यू हैव टू स्टडी दिस ऑल जितने भी पी हैं ये आपको दिए हुए हैं इन टेलीग्राम जीवा क्लासेस ओके नाउ मूविंग टूवर्ड्स ए स्टोरी सिंगिंग लेसन आपको ये जितनी भी ओपनिंग लाइन हैं यू कैन स्टडी दीज ठीक है अच्छे से लॉन्ग आंसर के लिए तो ये जो स्टोरी है सिंगिंग लेसन जहां पर शुरू होती है वहीं पर ही द इमोशंस ऑफ द ऑफ मिस मिडोज वहां पर शो कर दिए जाते हैं कि मिस बड़ी नाइसली तैयार होकर के मन में उसके बहुत ज्यादा दुख परेशानी थी डिस्पेयर कोल्ड शार्प डिस्पेयर एंड बरी डीप इन हर हार्ट लाइक अ विकेड नाइफ वो कैसी थी यहाँ पर भी एक वूमेन का डिपेंडेंस शो किया गया है ठीक है चेंज ऑफ मूड शो किया गया है आ, कि पहले वो बहुत दुखी थी उसके बाद उसके फ्या, का जब सेकंड टाइम लेटर आया तो वो थोड़ी सी खुश हो गई तो दिस इज डिफरेंस विथ डिस्पेयर कोल्ड मिस मिडोज जो थी वो मूव कर रही थी कोल्ड कॉरिडोर में जो उसको लग रहा था कि कोल्ड है जितने भी गर्ल्स ऑफ ऑल एजेस थी रोजी फ्रॉम द दे एयर देवर कमिंग रनिंग स्कूल में शी वॉज अ म्यूजिक टीचर जहाँ पर वो सब आकर के अपने प्लेसेस से बैठ रहे थे सडनली साइंस मिस्ट्रेस वहां पर आती है और इससे बात करती है और इनके बीच में जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है इट इज लाइक कि मिस मिडोज हगिंग द नाइफ स्टर्ड इन हेट्रेड एट द साइंस मिस्ट्रेस कि वो बहुत ज्यादा के मिस मिडोज खुद चिड़ी हुई थी तो वो चिड़ करके बहुत ज्यादा साइंस मिस्ट्रेस को देखती है साइंस मिस्ट्रेस के बारे में एवरीथिंग वाज वो स्वीट पेल लाइक हनी यू वुड नॉट हैव बीन टू सी अ बी कॉट इन द दैंगल्स ऑफ द येलो हेयर तो यहाँ पर साइंस मिस्ट्रेस की बात की गई है इट इज रियली शार्प तो uh, क्वेश्चन uh, पूछती है यहाँ पर ना मिस साइंस मिस्ट्रेस की गुड मॉर्निंग शी क्राइड इन हर स्वीट अफेक्टेड इट कोल्ड इट माइट बी विंटर तो कहती है साइंस uh, मिस्ट्रेस कहती है क्या बहुत ज्यादा ठंड नहीं हो रही है। तो वो कहती है हा इट इज रादर शार्प वो बहुत ही ज्यादा सीरियस टोन में मुंह बना करके ऐसे बोल देती है ठीक है उसके बाद द अदर स्माइल्ड हर शुगरी स्माइल वो नाइसली स्माइल किया उसके बाद यू लुक फ्रोजन साइंस टीचर कहती है कि तुम बहुत ज्यादा

और उन्होंने बस स्माइल दिया और फिर वो स्माइल देकर के वहां से चलती बनी कौन? मिस मिडोस। ठीक है तो ये कॉन्वर्सेशन जो उनके बीच की है ये आप पढ़ोगे इसके बाद बहुत सारे वो लोग सॉन्ग्स गाती हैं पहला उसका रिएक्शन था देखो इसमें क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अः जो मल्टीपल उसके रिएक्शन से जस्ट बिकॉज की वो दुखी थी वो बता दो दुखी क्यों थी क्योंकि उसके जो फ्य है बेसल, उसने उसको ए, कुछ लेटर में लिख करके दिया था विथ रिग्रेट ठीक है अब यहाँ से आ, सबसे पहले आती है मैरी बीजली उनकी फेवरेट स्टूडेंट और जो उनको एक बड़ा ही सुंदर सा आ, फूल पकड़ाती है आ, कहा गया वो येलो क्रिसम बड़ा सा नाम था हो गया क्या तो रिमेम्बर दैट फ्लावर्स नेम जो मुझे अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है दैट इज इम्पोर्टेंट उसके अलावा तो uh, ये रहा ठीक है उसको मिस गुड मॉर्निंग करके मैरी उसको एक येलो क्रिस्तम पकड़ाती है लेकिन वो उसको क्या करती है उसको साइड में रख देती है और उसकी तरफ देखती भी नहीं है फियोन से जो है इनके बेसिल इन्होंने इनको एक लेटर दिया था जिसमें उसने कुछ वर्ड्स लिखे थे दैट आई फील मोर मोर हम लोग की जो मैरिज है वो एक मिस्टेक है दिस इज अभी तक बेसल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए बट हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन आ जाए मल्टीपल क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको एनालिसिस दिया टू का 2023 का क्वेश्चन पेपर आए स्पेसिमिट पेपर दिए हुए दो तीन के जो भी सिंगिंग लेसन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है वट एवर यू नीड आप सारी चीजें प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो तो वो इसमें इसने लिखा है आई फील मोर एंड मोर स्ट्रॉगली कि हमारी जो मैरिज है वो एक मिस्टेक है uh, होगी नॉट दैट आई डू नॉट लव यू आई लव यू एज मच एज इट इज पॉसिबल फॉर मी टू लव एनीमेन बट ट्रुथ To tell, I have come to the conclusion ki hum I am not a marrying man and the idea of settling down fills me with nothing but uh, disgust उसने लिखा था उसको scratch करके हल्के से scratch करके वहाँ पर उसने regret लिख दिया okay तो ये पूरे content से जो उसके uh, letter में थे इसके बाद आ, ये मिस मिडोज जो है ये यही सारी चीजें पढ़ के समझ समझ करके उसका थोड़ा थोड़ा सा कंक्लूजन हर जगह पर निकालती है और उसके बाद वो स्टूडेंट्स को बोलती है टर्न टू पेज थर्टी टू वट वॉज मिस मैरीज़ हॉरर वेन मिस मिडोज टोटली इग्नोर्ड द क्रिसम कोई भी उसने रिप्लाई नहीं दिया और पेज नंबर कौन सा बोला था थर्टी टू ओपन करने के लिए एंड देन उसके बाद वहां पर आ, देवर स्टार्टिंग विद की, मतलब शी वाज आस्किंग टू हैव सम सॉन्ग अब फिर वी विल बिगिन विद पेज फोर्टीन और यहाँ पर कौन सा सॉन्ग था इट वाज अ लेमेंट दुख वाले जितने भी सॉन्ग्स होते हैं नॉट हैप्पी सॉन्ग्स दुख वाले जो सॉन्ग्स होते हैं तो वो वहां पर उसने बोला कि तुम लोग गाओ ये वाले सॉन्ग्स विदाउट एक्सप्रेशन ठीक है जोर जोर से गाओ फिर उसके बाद अब वो धीरे धीरे करके चीजों को और फास्ट फास्ट करके कि और तेज से गाओ अब विद एक्सप्रेशन गाओ ये सारी चीजें वो बोलने लगी अब उसका जो लास्ट लेटर अ फ्यूम्ड ओक बुक केस ही तो इससे ये सारी चीजें बेसिल का हमने आपको कैरेक्टराइजेशन बताया था कि उसको आ, फर्नीचर्स और ये क्राफ्ट वर्क और वुडन का काम बहुत ज्यादा पसंद है ये सारी चीज़ें उसमें यही सब डिस्क्रिप्शन में इसमें शो किया गया है फिर उसके बाद अ ये हेड मिस्ट्रेस के बारे में बताया गया कि वो सोशल पर्सन था तो घूमने जाता था उनके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ Uh, then again they are uh, talking about the song.

सरप्राइज uh, थी ये सारी चीजें uh, सोच के बट uh, uh, उस समय मतलब कोई इतना ज्यादा कोई भी नहीं सरप्राइज है जितना साइंस मिस्ट्रेस थी शी वॉज 30 और बेसिल वॉज ट्वेंटी और ये एक मेरिकल था कि एज दे वॉकड होम फ्रॉम चर्च दैट वेरी डार्क नाइट यू नो सम हाउ और अदर आई हैव गॉट फॉन्ड ऑफ यू एंड ही हैड taken hold of the end of her ostrich feather bow पास इज अवे फ्रॉम द लिस्ंग इतना अगेन वो वही सॉन्ग जो है उसकी बात कर रही है तो उस समय भी भी यकीन नहीं होता और यहाँ पर रीजन वो यही देती बिकॉज आई एम थर्टी एंड शी इज ट्वेंटी फाइव ठीक है मीन्स द गर्ल इज एल्डर ओल्डर दैन द मैन हेयर तो उसके बाद फिर

I I shall put on uh, your honor to talk quietly while I am away. But there uh, were too subdued to do anything else. Most of them were blowing their noses. क्योंकि रोए हुए थे बच्चे लेमेंट गागा गा करके विथ इमोशन इसीलिए देवर crying. Okay. फिर उसके बाद उसमें लिखा है हेड मिस्ट्रेस वहां पर uh, आती वहां पर होती है अपने रूम में ये आती है वहां पर उनसे मिलने तो देर उससे वो कहती है कि अ टेलीग्राम इज देयर फ्रॉम फॉर मी दिस इज वायर्ड वो कहता है आई सेंड यू जस्ट क्योंकि तुम्हारे लिए टेलीग्राम आया है तो वो कहती है टेलीग्राम फॉर मी और यहाँ पर ये यह लेटर नहीं है ठीक है टेलीग्राम आपको पता है कोई मशीन होती है उससे आता है तो वो उसी से ही आया और दिस नॉट अ लेटर जो किसी ने पोस्ट बॉक्स में डाल दिया हो तो उसको ख्याल क्या आता है अब दिस इज इंपॉर्टेंट जो उसको ख्याल है मेरे लिए टेलीग्राम आया क्या बेसिल ने सुसाइड कमिट कर दिए क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आया यही आया बेसिल ने सुसाइड कमिट कर दिया डेड मिस मिडोज डिसाइडेड मिस मिडोज हर हैंड फ्लू आउट बट मिसेस वाइल्ड हेल्ड अ टेलीग्राम बैक वो मिस uh, मिडोज टेलीग्राम ले रही थी लेकिन मिस वाइल्ड ने उसको ऐसे पीछे खींच लिया आई होप कि ये कोई बैड न्यूज नहीं है शी सो मोर देन सो काइंडली So, स्टेटमेंट के बाद उसका जो पूरा मूड है वो चेंज हो जाता है मिस बेसिलता है पे नो अटेंशन टू लेटर मैं उस समय बहुत ज्यादा मैड होंगे एंड बॉट है

उसी के लिए वो कहता है कि उस लेटर पर ध्यान मत देना और मैंने आज एक हैट स्टैंड खरीदा है ये सारी चीजें हम आपको फोटोज में दिखा चुके हैं शी take टेक और वो खुशी से अपनी जो आई थी वो उस टेलीग्राम से हटा नहीं पा रही थी मिस वायट कहती है कि ऐसे फॉरवर्ड होकर के वो कहती कि मुझे आई होप ही कुछ सीरियस नहीं है तो कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ सीरियस नहीं है इट्स नथिंग बैड एट ऑल शी गेव एन अपोलोजेटिक लिटिल लाफ थोड़ा सा वो हंसी स्माइल दी उसने और Uh, uh, कह रही कि ये मेरे फ्योंसे की तरफ से है और एक पॉज उसने कहा कुछ बोला नहीं उसने तो फिर मिसेस वायट चिढ़ गई उसने कहा यू हैव फिफ्टीन मिनट्स मोर ऑफ योर क्लास मिस मिडोज कहती कि हाँ, मिनट बचे हुए हैं क्या नहीं बचे हैं कह रही हाँ। तो वो उठी she ran, half ran towards the door, वो door तक उसके बाद मिस वाइट चिड़ी और उसने बोला कि टेलीग्राम केस ऑफ वेरी बैड न्यूज सच एज डेथ वो कहती है मिस मिस वाइट एक्सपेक्ट कुछ बुरा ही हुआ होगा तो जस्ट बिकॉज़ कि बुरा नहीं हुआ तो वो उसको कहती है कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि स्कूल आज में कोई भी तरह के का टेलीग्राम नहीं आए अनलेस कि कोई इमरजेंसी है जैसे एक्चुअल में कोई मर गया हो वैसे करके या फिर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो और समथिंग टू दैट इफेक्ट या वैसा ही कुछ तो गुड न्यूज़ विल ऑलवेज कीप विल ऑल गुड न्यूज़ मिस मिडोज विल ऑलवेज कीप यू नो कि मतलब वो तो इट शुड ऑलवेज बी लेटर ना सेंट बाद में बताई जा सकती है फिर अब यहां से उसका जो रिएक्शन चेंज हुआ है दिस इज इम्पॉर्टेंट भाई खुशी से झूमे नहीं समा रही थी वो फूले नहीं समा रही थी होप लव जॉय ये सारी चीजें जो है मिस मिडोस की ये सारी चीजें इसमें शो की गई है ठीक है हैप्पीनेस अब उसके बाद वो वापस आती है पेज 32 ओपन uh, करती है येलो क्राइसेंथमम जो उसने पहले इग्नोर कर दिया था उसको वापस उठाती है अपने लिप्स तक यहाँ तक ताकि उसको कोई देख ना ले कि वो हंस रही है ऐसे करके और उसके बाद क्या करती है वो स्टूडेंट्स uh, को बोलती है कि पेज नंबर 32 और उसमें ये वाला सॉन्ग वी कम हियर टुडे विद फ्लावर्स ओवरलेड इन तो ये वाला जो सॉन्ग है वो गाओ तुम लोग स्टॉप स्टॉप क्राइड मिस मिडोज और तुम लोग मतलब बहुत ही ज्यादा वैसे करके गा रहे हो अच्छे से गाओ हैप्पी सॉन्ग है तो हैप्पीनेस के साथ गाओ और यहाँ पर ही एंड मिडो की जो वॉइस थी साउंडेड ओवर ऑल अदर वॉइसेस इट वॉज फुल डीप ग्लोइंग विद एक्सप्रेशन तो दिस इज इम्पॉर्टेंट उसका जितना जो चेंज uh, होता है रिएक्शन uh, वो सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी होंगी ठीक है तो दिस इज ऑल फॉर सिंगिंग लेसन देन वी विल मूव टूवर्ड्स आई होप दिस इज द लास्ट वन जिसमें बी वर्ड्स वर्थ के बारे में बताया गया है हाँ बी वर्ड्स वर्थ ठीक है अब देखो दिस इज ऑल्सो अ वेरी स्मॉल स्टोरी कुछ चीजें इसमें हैं जो आपको पढ़नी होंगी दैट इज अबाउट फ्रेंडशिप भाई दोनों के बीच में जितने भी इंटरक्शन हुए हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स आप लिस्ट लिख सकते हो एस्केपिज्म लिख सकते हो एस्केपिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर में हमने करवाया भी है इसको इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर दोनों में करवाया गया है उसके बाद रियालिटी के बारे में आप उसमें लिख सकते हो कि ये जो है ये रियालिटी से थोड़ा सा दूर भागते थे दैट इज सेम एज एस्केपिज्म ओके तो फिर उसके बाद लव फॉर नेचर ऑफ़ कोर्स तो ये इसमें बहुत ज्यादा दिखाया गया लव फॉर नेचर ओके तो ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ सकते हो तो दिस स्टोरी इज अबाउट द फ्रेंडशिप बिटवीन द नरेटर द यंग बॉय और द मैन बी वर्डवर्थ के बारे में दोनों के बारे में ठीक है तो यहाँ पर वो आकर के उससे मिलता है आ, बीज देखने के लिए वो उसको स्टार्टिंग में कहता है और स्टार्टिंग में जब वो उसको ये कहता है तो मतलब आई वॉन्ट आई लाइक वॉचिंग बीज वो उसको सोनी सोनी करके बड़े नाइस नेम से बुलाता है आ, तो परमिशन मांगता है कि क्या मैं तुम्हारे घर में आकर के आ, बीज देख सकता हूँ ठीक है तो फिर उसके बाद वो उसको नाम अपना बताता है व्हाट्स योर नेम मिस्टर बी वर्ड्स वर्थ बी स्टैंड फॉर बिल वो पूछता है कि बी स्टैंड तो कहते हैं नहीं बी स्टैंड ब्लैक वर्ड्स वर्थ वाइट वर्ड्स वर्थ मेरे ब्रदर है ठीक है एंड वी शेयर वन हार्ट कैन आई वॉच अ स्मॉल फ्लावर लाइक आई कैन वॉच अ स्मॉल फ्लावर लाइक मॉर्निंग ग्लोरियन क्राई की मतलब वो कहते हैं कि मेरे अंदर पोइट वाली क्वालिटीज है कि मैं मॉर्निंग ग्लोरी मैं फ्लावर्स uh, को देख सकता हूँ और देख देख करके रो भी सकता हूँ ओके okay, तो व्हाई यू डस क्राई कि तुम भाई रोगे क्यों उसको देख करके द क्वेश्चन इज दैट तो वो कहता है कि उसको जवाब देता है यू विल नो व्हेन यू विल ग्रो अप यू आर अ पोएट टू तुम्हें पता है कि तुम एक पोएट भी हो एंड व्हेन यू आर अ पोएट यू कैन क्राई फॉर एवरीथिंग तुम हर चीज के लिए रो सकते हो ठीक है तो दे टॉक uh, अबाउट फिर वो अपनी ग्रेटेस्ट पोएम के बारे में बताते हैं कि मैंने ग्रेटेस्ट पोएम लिखी है मदर के लिए और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये सेल कर सकता फॉर सेंट्स तो मैं अंदर गया मैं अपने अपनी मदर से पूछा तो उन्होंने ऑब्वियसली चिढ़ गई वो और उसके बाद वो वापस आया और मैंने उसको बोला कि नहीं वो फोर सेंट्स के लिए नहीं देंगी अः पोएम पोएट नहीं खरीदेंगी पोएम नहीं खरीदेंगी तो बी वर्ड्स कहता है इट्स अ पोएट्स स्ट्रेटिडी तो यहाँ पर पोएट के सर्वाइवल के बारे में भी बताया गया है ओके okay, फिर उसके बाद नेक्स्ट दे हैव अ वेरी स्मॉल कॉन्वर्सेशन उसके बाद लेटर एक हफ्ते बाद जब वो स्कूल से वापस आया था तो मैं उससे आई मेट हिम एट द मिगल स्ट्रीट ही सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू तो मिगल स्ट्रीट पर वो मिला था देखो ये इसका एक क्वेश्चन भी आया था आई गेस अल्बर्टो स्ट्रीट में वो लोग रहते हैं uh, नहीं मिगल स्ट्रीट में ही ठीक है यहाँ पर देखो लिखा हुआ है थ्री बेगर्स कॉल्ड पंचुअली एवरी डे एट द हॉस्पिटेबल हाउसेज ऑफ मिगल स्ट्रीट तो वहीं पर ही वो लोग रहते थे और वहीं पर ही वो उसको मिला भी था

आओ और मैंगो खाओ और वो कहाँ पर रहता था नारेटर यूज़ तू तो लिव इन मिगल स्ट्रीट और जो पर्सन है आ, बी वर्ड्सवर्थ वो कहाँ रहता था अल्बर्टो स्ट्रीट में एक वन रूम्ड हट था दैट वाज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ़ द लॉट की किसी एरिया के बीच में वो एक रूम था तो जब वो मैंगो खाकर के आया वापस तो पूरा उसके फेस चिन पे शर्ट पे स्टेन था जब वो मदर आ, वो आई तो वहां पर आ, आ, बच्चे को देख करके उसने उसको मारा गो कट अब फॉर मी कि मतलब उसको मारवा मारा डिड लाइक दैट ठीक है शी बीट मी रादर बैडली उसने मुझे मारा और उसके बाद आई वेंट टू बी वर्ड हाउस आई वॉज सो एंग्री यहाँ पर क्या शो किया गया उनके बीच की फ्रेंडशिप शो की गई है ठीक है जहां पर वो लोग एक तो एक दूसरे से मिलते हैं मैंगो खाते हैं और उसके बाद फिर जब उसकी मदर उनको मारती है तो वापस चले जाते हैं तो यहाँ पर उसकी आ, आ, फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा शो की गई है बी वर्थ, वर्थ, वर्थ उसको चुप कराता है उसके बाद आ, वो वॉक पे जाते हैं फिर वहां से वो सेंट क्लियर एवेन्यू कोई प्लेस ही वहां पर जाते हैं एंड वो वहां के रेस कोर्स पर भी वॉक करते हैं फिर वो लोग ग्रास पर लाए डाउन करते हैं ये जितनी भी चीजें इंसिडेंट्स जितने भी शो किए गए हैं वो उनके बीच का जो इंटर आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है तो वो भी इसमें यू हैव टू स्टडी ओके उसके बाद मतलब कहां कहाँ वो गए वो सारी चीजें यू नीड टू प्रिपेयर इन दिस फिर नेक्स्ट इज uh, uh, जहां पर मैं यहाँ ये यह वाली देखो दिस इज इंपॉर्टेंट कि वो उसको एक स्टोरी बताता है

द यंग पोएट मतलब की वो जो बेबी उसके वोम में था, उसकी बात हो रही है द यंग गर्ल्स हजबेंड वॉज वेरी सैड एंड ही वुड नेवर टच अ थिंग इन द गर्ल्स गार्डन एंड सो द गार्डन रिमेन एंड ग्रू हाई एंड वाइल्ड क्वेश्चन पूछा जाता ना कि ये नेरेटर ने पूछा था उससे कि ये जो इतना uh, बड़ा जंगल तुमने अपने घर में बसा के रखा हुआ है इससे तुम्हारा घर खराब नहीं होता डैम्प नहीं होता भाई सीलन हो ये सारी चीजें हो जाती है तो उसी पर ही वो एक स्टोरी उसको सुनाता है अः कि ये बहुत ही ज्यादा लवली स्टोरी थी एंड फिर उसके बाद हम लोग बोटानिकल गार्डन और रॉक गार्डन में गए हम लोग मतलब यहाँ यहाँ यह जितने भी एरियाज हैं प्लेसेस हैं ये सारी चीजें तो आपको पढ़नी पड़ेंगी यू नीड टू रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स ही डिड एवरी थिंग एज दो और यहाँ पर दिस इज इम्पॉर्टेंट ठीक है वो उसके साथ इतना ज्यादा एंजॉय करता था वो भले ही वो सारी चीजें वो ऐसे करता था जैसे ही वाज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम ही डिड एवरीथिंग एज सो ही वर डूइंग सम चर्च राइट ही वुड से बी वर्ड्स वर्ड की बात हो रही है नाउ हाउ अबाउट हैविंग सम आइसक्रीम एंड व्हेन आई सेड यस ही वुड ग्रो वेरी सीरियस एंड से नाउ व्हिच कैफे शुड वी पेट्रनाइज कि हम लोग कहां पर जाएं ओके okay, उसके बाद लास्ट uh, में वो उसको एक सीक्रेट बताता है कि मैं तुमको कुछ बताऊंगा कि uh, uh, मतलब आई मैम राइटिंग अ पोएम बट दिस इज अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पोएम दिस इज अ ग्रेटेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड आई विसल्ड ही सेड आई हैव बीन वर्किंग कि मैं ऑलमोस्ट 5 इयर्स से uh, इसको uh, कर बना रहा हूँ पोएम को और ये कम से कम नेक्स्ट 22 इयर्स में फिनिश होगी फ्रॉम नाउ एज इफ आई कीप ऑन राइटिंग एट द प्रेजेंट रेट की जैसे मैं लिख रहा हूँ उस हिसाब से इट विल टेक सच लॉन्ग टाइम तो आ, तो वो कह रहा है कि तुमने बहुत ज्यादा लिख लिया होगा वो कह रहा है कि नहीं बहुत ज्यादा नहीं है मैंने हम हर मंथ में एक लाइन लिखते हैं एंड बट आई मेक श्योर कि ये एक अच्छी लाइन है तो वो पूछता है कि लास्ट मंथ की अच्छी लाइन क्या थी तो वो उसको वो लाइन बताता है द पास्ट इज डीप

बनाई थी ठीक है आ, ये जो फनी थिंग ए, क्या ये फनी चीज नहीं है तो उसकी हिज वॉइस ब्रोक मैं वहां से चला गया आई जस्ट वेंट होम क्राइंग जो नरेटर है वहां से चला गया बिकॉज ही ब्रोकन उसे पता था कि द द पोएट बी वर्ज डाइंग और वो उसको हेल्प नहीं कर सकता है आ, एक साल बाद मैं जब वहाँ पे पहुंचा आई कुड फाइंड नो साइन पोएट का हाउस कहाँ गया है वो वहां से वैनिश इट ऐसे uh, नहीं था कि वो वैनेज हो गया था ऐसे लगा था कि वहां पर वो कभी था ही नहीं इट हैड बीन पुल्ड डाउन और बिग टू स्टोरी बिल्डिंग जो है वो वहाँ पर बन गई थी मैंगो ट्री प्लम ट्री कोकोनट ट्री वो सब चीजें वहां से हट गई थी वहां पर ब्रिक और कॉन्क्रीट था हर जगह पर इट वॉज जस्ट बी वर्ड्स वर्थ है ऐसे लग रहा था की बी वर्ड्स वर्थ कभी वहां पर था ही नहीं ठीक है तो दिस इज द स्टोरी ऑल अबाउट जहां पर सिर्फ इतनी सी बात की गई है कि आ, उनके बीच का एस्केपिज्म शो किया गया है रियलिटीज ऑफ लाइफ लास्ट में वो जो इसको जितनी भी कहानी थी वो इसलिए बताए ताकि वो आ, जो जितना भी इल्यूजन है वो सारी चीजें वो जितना भी भ्रम उसके दिमाग में वो सब टूट जाए जितनी भी आ, वो रियलिटी से उसको आ, वाकिफ करवा पाए कि भाई जो है सच है यही है एंड ऑफ द पोएट ऐसा ही होता है

Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.